اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ये अमल नंबर चार है, बहुत ही ख़ूबसूरत अमल है, बल्कि आज के दौर में मियां बीवी की, माँ बाप की, सियासतदानों की, ख़तीब हैं या हमारी तरह के जो लोग हैं जिनकी पब्लिक डीलिंग होती है, ये हर बंदे की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि हमारी बदअमालियों की वजह से, गुनाहों की वजह से शैतानियत इतनी मज़बूत हो गई, इतनी कवी हो गई है, और उस शैतानियत के गलबे की वजह से हमारे दिलों के अंदर इतनी नफ़रतें हैं, रंजिशें हैं, कोई कोई दूसरे को मिल के राज़ी नहीं है। ज़रा मियाँ बीवी एक घर में है, 20-20 साल ज़िंदगी गुजर गई है शादी की, लेकिन आपस में बन नहीं रही। इस तरह औलाद जो है वो माँ बाप के शिकवे करती है, और औलाद जो है वो माँ बाप के माँ बाप औलाद के शिकवे करते हैं। इस तरह मुरीद हैं अपने पीर के, पीर अपने मुरीद के। इस तरह ख़तीब है तो उसके मुक्तदी उससे शाकी हैं। सियासतदान है तो उनके मानने वाले उनसे जो है वो शाकी हैं। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये अमल जो बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ़ किसी एक बंदे की ज़रूरत नहीं है, ये माशरे के हर बंदे की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर ये अमल है तस्खीर का। ये अमल क्या है? तस्खीर का, यानी किसी को मुसख़र करना, किसी के दिल को अपनी तरफ मतवज्जे करना, उस किसी का दिल अपने हाथ में लेना, अपने काबू में करना, अपनी बात को मनवाना। इंसान की जिबिलत के अंदर है, इंसान के नफ्स के अंदर ये बात है कि लोग मेरी मानकर चले। हर इंसान के अंदर ये फितरी तौर पे ये अंसर मौजूद होता है कि जो मैं कहूँ लोग वो माने, यानी मेरी बात को मान के चले। इसका जो शरीयत का असूल है वो एक अलग बात है, बाद में मैं अमलियात की बात करूँगा। शरीयत का असूल ये है, या अल्लाह की सुन्नत ये है कि तुम अल्लाह की मान के चलो, सारी मखलूक तुम्हारी मान के चलेगी। और हमारे सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया की बुनियाद भी इसी बात पे है कि मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहु कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अल्लाह के हो जो अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा, और जिसका अल्लाह हो जाता है उसकी सारी खुदाई हो जाती है। सबसे अफजल तरीका तो यही है, और अल्लाह की सुन्नत भी यही है कि जब आप अल्लाह के हो जाओगे, जो आपके ताबे हैं वो आपके हो जाएंगे, वो आपकी मान के चलेंगे। आप अल्लाह रसूल की मान के चलो, मखलूक आपकी मान के चलेगी। एक तो ये है। अमलियात की दुनिया में ये है कि जब आप रूहानी वज़ाइफ या चिल्ला कशी के ज़रिए अपनी तस्खीर की ताकत को बढ़ा लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि जब आप कवी हो जाते हैं, दूसरा कमज़ोर होता है, तो आप उस पर क्या हो जाते हैं? गालिब आ जाते हैं। यानी आप बोलेंगे तो आपकी बात दूसरे के ऊपर असर कर जाएगी। जो ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो बंदा आएगा, यानी आपके हसार के अंदर, आपके ओरा के अंदर वो बंदा आएगा, तो वो आपसे मगलूब हो जाएगा, आप गालिब हो जाएंगे। जो आप बोलते जाएंगे वो सुनता जाएगा, जब वो सुनेगा तो कुछ बात दिल में भी उतर जाएगी, फिर वो आप ही के गुण गाएगा। अगर घर में और मियाँ बीवी की नहीं बनती तो ये अमल करें, इंशाल्लाह घर टूटने से बच जाएगा। माँ बाप जो है परेशान है औलाद की नाफरमानी की वजह से, माँ बाप ये अमल करें, इंशाल्लाह औलाद जो है वो मान के चलेगी। इस तरह पीर है, ख़तीब है, सियासतदान है, या और लोग हैं जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, वो ये अमल करें तो जब उनकी तस्खीर की ताकत बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो हर दिल अज़ीज़ हो जाएंगे। जब लोग उनकी मान के चलेंगे वो मशहूर भी होंगे, इज़्ज़त भी मिलेगी, और लोगों के कलूब मुसख़र होंगे, फिर वो जो कहते जाएंगे लोग वो मानते जाएंगे। अमल बड़ा आसान है। अमल क्या है कि 11 दिन 1100 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है, या अल्लाहु या अज़ीज़ु, या अल्लाहु या अज़ीज़ु। या अज़ीज़ कहते हैं गालिब आने वाले को, जो गालिब आ जाए। तो ये एक खालिक कायनात का ज़ाती नाम है, यानी इसमें ज़ात है या अल्लाहु, और दूसरा क्या है? सिफाती नाम है या अज़ीज़ु। तो ये दोनों को जोड़ के या अल्लाहु या अज़ीज़ु, या अल्लाहु या अज़ीज़ु, एक वक्त मुकर्रर करके, जौन सा भी वक्त मुकर्रर करना है, वो वक्त फिर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यानी बाद नमाज इशा आपने शुरू कर लिया है, बाद नमाज फजर शुरू कर लिया है, तो 11 दिन उसी वक्त पे पढ़ना है।
ठीक है, और उसमें नागा नहीं होना चाहिए। अगर नागा हो गया अमल खत्म हो जाएगा। औरतें हैं दरमियान में अय्याम शुरू हो गए, नागा हो गया अमल खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से करना पड़ेगा, सदका भी देना पड़ेगा, दोबारा भी करना पड़ेगा। अभी क्या करना है, मिसाल के तौर पे आज एतवार है तो आज हमने अमल करना है, तो रात कौन सी आज होगी, पीर की, सोमवार की रात होगी, आज से हमने अमल शुरू कर लिया। आज है 10 तारीख, आज हमने अमल फर्ज किया शुरू कर लिया, या आज 27 जुलाई है तो अब यकम हो गई, ये 12 बज गए तो यकम होगी, तो हमने यकम को अमल यानी यकम अगस्त को अमल शुरू कर लिया। ये अमल हमारा किस दिन जाके मुकम्मल होगा, 11 अगस्त को। तो 11 अगस्त तक छुट्टी नहीं आनी चाहिए। और दूसरी शर्त इसमें मैंने क्या रखी है कि वक्त का तय्यन रखना है, वक्त की कैद है, मुकर्रर वक्त पे पढ़ना है, यानी 5-7 मिनट ऊपर हो जाए नीचे हो जाए कोई मजायका नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि कभी मगर वक्त, कभी ईशा वक्त, कभी रात 3 बजे, ये नहीं है। यानी रात को 10 बजे का वक्त रखा है तो 10 का मतलब 10 है, 9:55 हो सकता है, 10:05 हो सकता है, इससे ज़्यादा ऊँच नीच नहीं करनी, फिर वो तस्वीर नहीं रहती। तो ये अमल तो हम कर ही तस्वीर के लिए रहे हैं कि हमने लोगों को मुसख़र करना है, उनके कुलूब को मुसख़र करना है और अपनी तस्वीर की जो ताकत है वो बढ़ानी है। अव्वलो आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और उसके दरमियान में 1100 मरतबा पढ़ेंगे या अल्लाह या अजीज़ या अल्लाह या अजीज़ या अल्लाह या अजीज़। ये कुल 11 मिनट का अमल है। कितने मिनट का? 11 मिनट का अमल है। आराम से पढ़ेंगे तो 15 मिनट लग जाएंगे। तो अल्लाह बोलो 15 मिनट अपनी ज़िंदगी के 11 दिन के लिए फारग कर लो तो सारी ज़िंदगी वालदैन भी सुखी हो जाएंगे। अगर आप किसी दफ्तर में मुलाजमत करते हैं तो वहाँ आप सुखी हो जाएंगे, घर में लड़ाइयाँ हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी, मियाँ बीवी के आपस में झगड़ा रहता है, उनमें से कोई एक ये अमल कर लेता तो अल्लाह दिलों को मुसख़र कर देगा, घर टूटने से बचेंगे। 11 दिन के बाद आप आमिल बन गए। अब आपने अपने हसबे तौफीक खैरात कर देनी, जो अल्लाह ने दिया हुआ है अच्छी खैरात करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अपने नाम का फैजान अता फरमाया, इतनी बड़ी नेमत से जो वो नवाजा है। उसके बाद सारी जिंदगी जाग रहे हैं, उसके बाद सारी जिंदगी एक तस्बीह 100 बार या अल्लाह या अजीजू पढ़ते रहना है। क्या करना है? कोई कैद नहीं, ना वक्त की कैद रह जाएगी, ना लिबास की कैद रह जाएगी, ना जगह की कैद रह जाएगी, ना वजू की कैद रह जाएगी। हर हाल में लेट के पढ़ लें, सो में पढ़ लें, सुबह पढ़ लें, जब याद आ जाए एक तस्बीह करते रहना ताकि ये तस्वीर मेरे हाथ में रहे। अब इस अमल को इस्तेमाल कैसे करना, आमिल तो आप बन गए, मदावत भी आपने शुरू कर दी, यानी तकरार भी आप कर रहे हैं, रियाजत भी आप कर रहे हैं। अब फर्ज किया आपने अमल इस्तेमाल करना है, अब इस हथियार को इस्तेमाल कैसे करना है। मिसाल के तौर पर आप किसी दफ्तर में जा रहे हैं, कोई दफ्तरी काम है, तो आप क्या करेंगे कि जो ही दफ्तर में दाखिल हुए हैं 11 मरतबा या अल्लाह या अजीज़ या अल्लाह या अजीज़ अव्वलो आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ के ऐसे फूंक मारेंगे अपने हाथों पे और हाथ अपने चेहरे पे फेर लेंगे, तो बस जिसको मिलना है उसको जाके मिलेंगे, इंशाल्लाह पे जो बोलते जाओगे वो सुनता जाएगा। यानी जब इस हथियार को इस्तेमाल करना है तो सिर्फ महज कितनी बार पढ़ना है? 11 बार। कितने घंटे लगेंगे आपके हजरत साहब? असी तो वड्डे वड्डे काम इंज पा दे जिन्हें पता नहीं चले गए, तो 11 बार पढ़ना है, हैं? तो सिर्फ पहले 11 दिन है, वो भी कितने मिनट हैं? 11। और अगर बड़े आराम से पढ़े तो 15 मिनट लगा के अल्लाह वालों अगर घर की बीमारियां, घर से नफरतें, लड़ाइयां, घर टूटने से बचते हैं, कोई मुलाजम तबका है वो अपने दफ्तर में तंग है, उसका रोजगार बचता है तो और क्या चाहिए, और माशरे में इज्जत मिल जाती तो और क्या चाहिए। 11 दिन की पीक काट लें, उसके बाद 100 बार की मैंने बताया कोई शर्त नहीं है, और जब ये हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं तब कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 11 बार। अब लो अगर एक बार कमली वाले पे दुरूद पढ़ेंगे, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आला आले मुहम्मद, या अल्लाह या अजीज़ 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 अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आला आले मुहम्मद। ऐसे हाथ पे फूंक मारेंगे और अपने सारे चेहरे के ऊपर हाथ जो है वो फेर देंगे। फिर आप दफ्तर में दाखिल हो जाएं, घर में कोई लड़ाई हो गई, आपने पंचायत में बैठना है तो ये अमल करके बैठें, किसी की सुलह करवानी है तो पहले ये अमल कर लें।
ठीक है, किसी काम और जा रहे हैं, बाजार में सौदा सल्फ लेने जा रहे हैं, ये अमल कर रहे हैं। बेटी बेटे का रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं, ये अमल कर रहे हैं। किसी दोस्त अहबाब के लिए जा रहे हैं, ये अमल कर रहे हैं। कोई जायदाद का सौदा करना है, कोई या कोई और सौदा सल्फ लेना है या ख़रीदना है, कोई बड़ी चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं, ये अमल करके बाजार जाएँ। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, शैतान आप पर हावी नहीं होगा बल्कि आप शैतान पर हावी होगे। यानी सारे कामों के लिए ये अमल किया जा सकता है। फिर घर में खुदा ना खासा बच्चों की या मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो गई, तो इस अमल को फौरन 11 बार पढ़ के, फिर चेहरे पे हाथ फेरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ के फूंक मारोगे, हाथ फेरोगे तो नहीं भी हाथ आया तो मुंह पे हाथ आ जाएगा। वो कहेगा मेरे पे तवीज़ कर रही है, मेरे पे फूका मार दी है, वो नहीं भी रैप्टा आना तब भी आ जाएगा। तो उस सूरत में क्या करना है, बस दिल ही दिल में 11 बार पढ़ लेना है, फिर फूके नहीं मार रहे वरना फूक निकल जाएगी, कि मैंने पहले बता दिया। फिर कहो हजरत साहब मेरे घर में तो पहले कभी उन्होंने हाथ नहीं उठाया था, उस दिन मैंने आपके कहने पे फूंक मारी तो बड़ी शदीद लड़ाई हुई, फिर फेंटा भी पड़ा। भाई भी फेंटा पड़ सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि मर्द मारे। अब मर्द जो है वो फूंक मारता है तो औरत को पास चल रहा है ये मेरे पे फूंक कर रहा है, यानी झाड़ फूंक कर रहा है, तो घर में लड़ाई बढ़ेगी। उसको क्या मालूम कि अल्लाह के नाम पढ़ रहा है या कोई अल्लाह ना करे कोई शिर्क या कलमात पढ़ रहा है। तो इसलिए जब लड़ाई झगड़ा हो या पंचायत हो या दूसरे बंदे के सामने जाना है तो ये कार्रवाई ऐसे डालनी है कि कानों कान खबर ना हो। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ तो आप अपने दिल ही दिल में पढ़ लें या अल्लाह या अजीज़ या अल्लाह या अजीज़ या अल्लाह या अजीज़। और अब तो अल्लाह वालों ये जब से कोरोना आया है ये वाला काम तो बड़ा ही आसान हो गया। अब तो मुंह पे मास्क लगा हो जो मर्जी करते हो, मुझे देख के हंसी आती है। ये काम मैं करता था अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 23 साल से, क्योंकि हम वो थिएटर में हों, काम कर रहे हों, सर्जरी में हों, तो हमारा मास्क लगा होता है, ग्लव्स पहने होते हैं, मास्क लगे होते, मैं अपनी कई तस्बीहात या मंजिल जो है वो ऑपरेट करते करते लंबा के सफर 45 मिनट 40 मिनट है उसके अंदर मैंने पढ़ लेनी। अल्लाह काम भी आसान कर देता है, मरीज को भी नफ़ा हो जाता है और वो जो एक तरतीब बनी हुई है वो भी पूरी हो जाती है। तो आप भी मास्क लगाओ, किसी दफ्तर में जाना है मास्क लगाओ या अल्लाह हो या अजीज़ ऊपर से जिसको क्या पता क्या हो रहा है। और इसी बहाने मेरी माएँ बहनें पर्दा कर लें, हिजाब कर लें तो या अल्लाह या अजीज़। घर में लड़ाई हो जाए तो सामने पड़ोगे, होंठ हिलेंगे, नहीं लड़ाई होनी और होगी। पहले भाग के अंदर जाओ, काले रंग का मास्क लगाओ, मास्क लगा के बस पढ़ना शुरू कर दो किचन में खड़े होके। उधर कपड़े इस्त्री करते जाओ, पढ़ते जाओ, कपड़े धोते जाओ, पढ़ते जाओ या अल्लाह या अजीज़। और अल्लाह ना करे कोई घर में पंचायत है, कोई लड़ाई शदीद हो गई है, कोई ऐसा मामला परेशानी का बन गया, फिर 11 बार नहीं खुला पढ़ो। फिर दूसरी क्या बात है, कोई वजू की कैद नहीं है, ना तादाद की कैद है। जब आम हालात हों, नॉर्मल यानी हालात हों, तो जैसे मैंने बताया किसी दफ्तर में जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, बच्ची का रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं और जिंदगी के कोई काम होते हैं, तो महज 11 बार है। और अगर वहां जाके बात उलझ जाए, सीधी बात होते होते उलझ जाए, इसका क्या मतलब है कि उस बंदे की शैतानी ताकत ज्यादा है, आपकी तस्खीर की ताकत कम है। तो फिर इस अमल को बार बार करें, वहां बैठे बैठे बार बार करें। यानी जब वो बोल रहा हो तो आप दिल ही दिल में अमल करते रहें, 2-4 बार करेंगे तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी, आप उस पर गालिब आ जाएंगे, वो मुसखर हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह जो आप बोलेंगे वो सुनने पर मजबूर होगा। ये इंतहाई आसान अमल है और इंतहाई मुजर्रब अमल है। फिर दूसरा इस अमल की खूबसूरती क्या है कि ये अमल आप कर लेते हैं, इस अमल के होते हुए अल्लाह वालों आपके ऊपर जादू नहीं चल सकता। हालांकि आप इस अमल के अंदर जादू का ना पूछा गया है ना ये सवाल है। या अल्लाह या अजीज़ का जिसने अमल किया होगा, जो उसका आमिल होगा, उसके ऊपर शयातीन जादूगर या उनका वार जो है वो गालिब नहीं हो सकता। क्यों? वो गालिब होने वाले को पुकार रहा है, तो ये जादू से भी हिफाजत करेगा, दुश्मनों से भी हिफाजत करेगा, आपके हासदीन से भी हिफाजत करेगा। ये हिफाजत का निज़ाम भी है या अल्लाह या अजीज़। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, आप तमाम हजरात को भी इजाज़त है, जो बाद में सोशल मीडिया पे सुने उन्हें भी इजाज़त है।